नमस्कार दोस्तों, तो ये है आपका सैलरी का क्वेश्चन नंबर 11। इस क्वेश्चन में मेन हाइलाइट्स क्या हैं जिनके ऊपर हमें एम्फेसिस करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में हमें मिलेगा इनकम फ्रॉम सैलरी, जिसमें हम सैलरी की इनकम कैलकुलेट करनी होगी। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का भी इसके अंदर एलिमेंट है। फिर डिडक्शंस भी हैं 80 वाली, और फिर इनकम टैक्स की कैलकुलेशन कैसे होगी वो हम इस क्वेश्चन में देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 सैलरी का ये रहा एक ही बार में आपके सामने। मिस्टर कोरोना वाज एम्प्लॉयड विद चालू चाइना लिमिटेड इन प्रीवियस ईयर 2018-19। तो जो मिस्टर कोरोना है वो चालू चाइना लिमिटेड में एम्प्लॉयड थे, नौकरी करते थे, और 18-19 प्रीवियस ईयर के अंदर वो करते थे। तो अब आप याद रखिएगा कि प्रीवियस ईयर जो है वो हमारा 18-19 है, और असेसमेंट ईयर हमारा 19-20 है, जो कि बहुत काम आएगा इनकम टैक्स कैलकुलेट करते समय। ही रिसीव्ड द फॉलोइंग इमोल्यूमेंट्स इन प्रीवियस ईयर, और इस प्रीवियस ईयर 18-19 के दौरान ये सारी चीज़ें मिस्टर कोरोना को मिली है। नंबर वन, बेसिक सैलरी है जी 40,000 प्रतिमास। फिर डियरनेस अलाउंस है, महंगाई भत्ता 10,000 रुपये पर मंथ। फिर ये है फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स, मतलब कि जब रिटायरमेंट बेनिफिट्स की कैलकुलेशन होती है जैसे ग्रेचुटी पेंशन वगैरह, तो उनको कैलकुलेट करने में डियरनेस अलाउंस महंगाई भत्ता इंक्लूड होता है। अब क्योंकि ये सेंटेंस काफ़ी बड़ा बनता है तो मैं इसको शॉर्टकट में बोलता हूँ कंडीशनल, मतलब यहाँ पर जो डीए है 10,000 पर मंथ वो पूरा का पूरा कंडीशनल है। फिर चिल्ड्रन एडुकेशन अलाउंस है 90 रुपीज़ पर चाइल्ड फॉर 3 चिल्ड्रन, मतलब 3 बच्चों के लिए इसे हर महीने 90 रुपये चिल्ड्रन एडुकेशन अलाउंस, बच्चों को पढ़ाने के लिए अलाउंस मिल रहा है, मतलब 2700 रुपये इसे हर महीने मिल रहे हैं। फिर है मेडिकल अलाउंस 2,000 पर मंथ, हर महीने 2,000 रुपये मिल रहे हैं मेडिकल अलाउंस की तरफ। फिर खाने के लिए टिफिन अलाउंस का खर्चा मिल रहा है 1,000 रुपये पर मंथ। फिर है रेंट फ्री फर्निश्ड हाउस एट नोएडा, जिसकी पॉपुलेशन है 30 लाख, तो नोएडा के अंदर एक रेंट फ्री अकोमोडेशन मिला है रहने के लिए जो कि फर्निश्ड है, मतलब उसके अंदर फर्नीचर भी है। हाउस इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर, जो मालिक है कंपनी है उसका ये घर है जो कि एम्प्लॉय को रहने के लिए दिया है। द एम्प्लॉयर ऑल्सो प्रोवाइडेड 2 एयर कंडीशनर्स कॉस्टिंग ₹30,000 ईच अलॉन्ग विद द हाउस। अभी जो ऊपर फर्नीचर की बात हुई थी, फर्निश्ड की बात हुई थी, तो इस घर के अंदर इसको 2 AC भी दिए हैं यूज करने के लिए, और वो है 30,000 रुपये का एक, क्योंकि 2 AC हैं तो 60,000 रुपये का इसका फर्नीचर हो गया। ये काम आएगा जब हम RFA कैलकुलेट करेंगे। द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर कोरोना ₹3,000, तो जो एम्प्लॉय की जेब से लिया जा रहा है वो है 3,000 रुपये। फिर है फ्री में उसको टी कॉफ़ी स्नैक्स वगैरह मिल रहा है ऑफिस के अंदर, और इसका जो खर्चा आ रहा है एम्प्लॉयर के लिए वो आ रहा है 10,000 रुपये। ही कॉन्ट्रीब्यूटेड 13% ऑफ हिज सैलरी टू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, वो अपनी सैलरी का 13% रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में कॉन्ट्रीब्यूट करता है, उसके अंदर देता है, डालता है। अ सिमिलर कॉन्ट्रीब्यूशन, मतलब उतना ही 13%, वॉज मेड बाय एम्प्लॉयर टू, मालिक की जेब से भी उतना ही सेम 13% ऑफ सैलरी प्रोविडेंट फंड अकाउंट में जाता है। इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड एट 10% ऑन 31 दिसंबर 2019 वॉज 30,000, और इस मिस्टर कोरोना को इंटरेस्ट मिला है कितना 30,000 रुपये, जिसका कि रेट है 10%। मिस्टर कोरोना डिपॉजिटेड 50,000 इन पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट, 50,000 रुपये पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट में इन्होंने डिपॉजिट किए हैं। ही ऑल्सो रिसीव्ड ₹20,000 एज इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट, और जो इनका सेविंग बैंक अकाउंट है उसके ऊपर इन्हें इंटरेस्ट मिला है 20,000 रुपीज। कैलकुलेट नेट टैक्सेबल इनकम, आप बताओ कि नेट टैक्सेबल इनकम कितनी होगी, यानी जिसके ऊपर टैक्स लगेगा।
एंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर कोरोना फॉर असेसमेंट ईयर 1920। और ये बताइए कि टैक्स लायबिलिटी कितनी बनेगी, यानी कि इनकम टैक्स कितना बनेगा असेसमेंट ईयर 19-20 के लिए। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि प्रीवियस ईयर 18-19 है, ऊपर लिखा है, और असेसमेंट ईयर 19-20 है। और आप देख सकते हैं कि ये 2019 के अंदर ये क्वेश्चन आया है 15 नंबर का। तो अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन करना आ जाता है तो 15 नंबर एक बार में आप एग्जामिनर से झटक सकते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपके समझने के लिए रहेगा, इसको देखिएगा आखिर तक। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी टच कीजिए ताकि नई नई वीडियोस आपको तुरंत मिलती रहे। मैं हूं आपका दोस्त अशोक कुमार और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल जो आपकी बहुत मदद करता है, जिसका नाम है एडुट्रिक्स। हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे होगा। देखिए इसके अंदर दो हेड है, एक है सैलरी और दूसरा है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो पहले मैं सैलरी कैलकुलेट करने जा रहा हूँ, और इसको स्टार्ट करने से पहले ही मैं आपको बता दूँ कि इनकम टैक्स से रिलेटेड जितने भी चैप्टर्स हैं उन सब की थ्योरी, उन सब के कॉन्सेप्ट्स, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, ये सब वीडियोस मैंने बना रखी हैं। आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर सभी वीडियोस के लिंक हैं, और भी उन वीडियोस में जाएंगे तो और भी लिंक मिलेंगे। तो वहाँ से जाकर आप बिल्कुल चैप्टर वाइज सारे के सारी वीडियोस देख सकते हैं, सबके लिंक्स मैंने प्रोवाइड किए हैं। अब देखते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी कैसे कैलकुलेट होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन को करने का जो मेरा तरीका है वो ये है कि आप एक बार क्वेश्चन पढ़िए और फिर उसके बाद उसमें जितनी भी आइटम्स आ रही हैं वो सारी आइटम्स आप एक एक करके लिख लीजिए वर्टिकली वन बाय वन, और फिर सबकी कैलकुलेशन एक एक करके करते जाइए और उसका अमाउंट उसके सामने लिखते जाइए, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका जो क्वेश्चन है वो कब सॉल्व हो गया। देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास है बेसिक सैलरी, उसको 40,000 रुपये हर महीने बेसिक सैलरी मिल रही है, तो एक साल के उसके हो गए 4,80,000 रुपये। फिर आता है डियरनेस अलाउंस यानी कि महंगाई भत्ता, वो उसको क्लियरली मिल रहा है 10,000 रुपये प्रति मास, तो पूरे साल का हो गया उसका 1,20,000 रुपये। फिर है चिल्ड्रन एडुकेशन अलाउंस, इसको समझिए थोड़ा सा। देखिए अलाउंस का नियम क्या कहता है कि हर महीने 100 रुपये तक एग्जम्प्ट है दो बच्चों तक, मतलब दो कंडीशन है इसमें कि एक तो हर महीने 100 रुपये तक एग्जम्प्ट है और दूसरा दो बच्चों तक। देखिए अलाउंस कंपनी चाहे तो कंपनी जितना मर्जी दे सकती है, लेकिन एग्जम्प्ट कितना होगा उस पर नियम है, दो बच्चों का 100 रुपये प्रति मास से ज्यादा नहीं। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि मिल तो रहा है उसको 90 रुपीज, जो कि पहले से ही 100 रुपये से कम है, लेकिन बच्चे उसके तीन हैं, तीन बच्चों पर उसको मिल रहा है, तो देखिए एग्जम्प्ट वो रहेगा सिर्फ दो बच्चों तक ही। अब इसको जनरली जैसे बच्चे गलत समझ के क्या करेंगे, वो उसको कर देंगे कि तीन बच्चों तक तो मिल रहा है यानी 2700 और दो बच्चों तक तो उसको एग्जम्प्ट है 100 रुपये तक, तो 2400 रुपये आप गलती कर गए उसको माइनस कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अब क्योंकि इसको सिर्फ मिल ही 90 रुपये रहा है तो जो 100 रुपये का नियम है वो कन्वर्ट हो जाएगा 90 रुपये में, मतलब 90 रुपये तक वो लिमिट हो जाएगा, तो आपको सिर्फ एग्जम्प्शन मिलेगी दो बच्चों तक ही, तो दो बच्चों का आप माइनस कर देंगे और उसके बाद फिर जो भी बचा उसको आप 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये प्रति मास का होता है, पर मंथ का होता है। तो ऐसे जो टैक्सेबल बचेगा वो होगा आपका 1080, जो इसमें 90 × 3 है वह है आपका अलाउंस रिसीव्ड, और जो 90 × 2 है वह है आपका एग्जम्प्टेड, तो जो बच जाएगा वह आएगा आपका टैक्सेबल। इसके बाद हमारे पास है मेडिकल अलाउंस। दोस्तों मेडिकल अलाउंस बिना किसी कंडीशन के पूरा का पूरा टैक्सेबल होता है, तो इसलिए ये पूरा टैक्सेबल हो गया 24,000 रुपये, 2,000 रुपये उसको हर महीने मिल रहा था। फिर है टिफिन अलाउंस। अब टिफिन अलाउंस भी जो है ना वो पूरा का पूरा टैक्सेबल होता है, तो इसलिए 1,000 × 12 हो गया हमारा 12,000 रुपये। फिर है रेंट फ्री अकोमोडेशन RFA। दोस्तों ये मैं आपको वर्किंग नोट में करके दिखाऊंगा, तो
इसको हम वहीं पर ही सीखेंगे। अमाउंट चाहे तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, 98,562। फिर हमारा आता है टी, कॉफ़ी, स्नैक्स। दोस्तों ऐसे चाय, नाश्ता वगैरह ऑफिस में जो भी मिलता है तो वो फुल्ली एग्जम्प्ट होता है, तो इसलिए ये कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। फिर आता है एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू आरपीएफ। दोस्तों दो तरह के कॉन्ट्रीब्यूशन क्वेश्चन में दिए हैं, एम्प्लॉय का भी और एम्प्लॉयर का भी, क्योंकि दोनों वर्ड सुनने में जैसे लगते हैं इसलिए मैं हिंदी में बोलूँगा ताकि आपको क्लियर रहे। मालिक का भी और नौकर का भी। दोस्तों जो नौकर की तरफ से गया तो वो तो उसकी सैलरी से ही कटता है, तो वो तो होता है उसका इन्वेस्टमेंट, लेकिन जो मालिक की तरफ से उसको मिलता है वो उसको फालतू मिलता है, एक्स्ट्रा मिलता है, बाहर से मिल रहा है, तो वो उसके लिए इनकम होती है। तो यहाँ पर इनकम में हम ऐड करते हैं एम्प्लॉयर्स, मालिक का कॉन्ट्रीब्यूशन आरपीएफ में। तो ये भी हम देखेंगे वर्किंग नोट में ही, वहीं कैलकुलेशन समझ आएगी, जो बनेगा 6,000 रुपये टैक्सेबल, ये सब कुछ टैक्सेबल है। फिर आता है हमारा इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ। इस रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में उसको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो भी हम कैलकुलेशन में ही देखेंगे, और वैसे इसका आंसर बनता है 1,500 रुपये टैक्सेबल। अभी सबको अगर हम जोड़ देते हैं तो ये बनती है हमारी ग्रॉस सैलरी 7,43,142। अब इसमें से लेस होगी स्टैंडर्ड डिडक्शन 16(1) की, जो कि है 40,000 रुपये, तो इसको हम माइनस कर देते हैं, और फिर अगले साल ये बढ़कर 50 रुपये हो गई थी, तो अब जो सवाल आएगा तो वो 50,000 से आपको करना है, लेकिन जिस साल का ये क्वेश्चन है तो उसके हिसाब से मैं इसे 40,000 ही माइनस करूँगा। इसको माइनस करके हमें नेट सैलरी मिल जाती है 7,03,142। अब इस क्वेश्चन को हम आगे चलाते हैं, ये नेट सैलरी जो पीछे अभी क्वेश्चन छोड़ा था वहीं से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, 7,03,142। तो ये तो हमारा जो सैलरी वाला पार्ट था वो कंप्लीट हो गया। अब इसके अलावा हमारे को इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के भी आइटम है, और वो है हमारे पास सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट आ रहा है उसे, और वो है 20,000। अब क्योंकि इसकी सिर्फ एक ही आइटम है तो 20,000 को ही मैंने टोटल करके दिखा दिया, सिंपली इंडिविजुअल टोटल 20,000। तो दोनों हेड हमारे पूरे हो गए, इसके अलावा और कोई हेड इसमें था नहीं। तो जब हम पांचों हेड से इनकम जोड़ लेते हैं, अब क्योंकि इसमें दो ही हेड थे, तो जब दोनों हेड से हम इनकम जोड़ लेंगे तो बन जाएगा ग्रॉस टोटल इनकम 7,23,142। अब हम इसमें से डिडक्शंस माइनस करेंगे 80 वाली। तो वो पहली हमारी डिडक्शन आती है पब्लिक प्रोविडेंट फंड की, जो क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन है, और ये 80 सी की डिडक्शन बनती है, और जो क्वेश्चन में 50,000 रुपये दिया हुआ है। फिर रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में जो एम्प्लॉय का खुद का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, जिसको मैंने बताया कि वो इन्वेस्टमेंट होता है, और वो बताया गया है कितना है, वो है 13%। क्वेश्चन अगर आप पढ़ेंगे तो पाएंगे एम्प्लॉय की तरफ से भी और एम्प्लॉयर की तरफ से भी, दोनों की तरफ से 13% ऑफ सैलरी जा रहा है। अब ये 6,00,000 रुपये कैसे आया, ये आपको वर्किंग नोट में ही दिखाऊंगा मैं। तो अभी आप ये समझ लीजिए ये इसकी सैलरी है, तो सैलरी का 13% कर दिया, ये इसकी तरफ से गया जो कि इन्वेस्टमेंट होगा। यही चीज़ मैं आपको वर्किंग नोट में भी दोबारा समझाऊंगा। फिर सेविंग अकाउंट के ऊपर जो इंटरेस्ट मिलता है उसकी 80 TTA में रिडक्शन मिलती है 10,000 रुपये तक की। ये आप मान लीजिए कि ये हर बार ही पेपर में आता है, तो इसको आप समझ लीजिए, जब आपको सेविंग बैंक अकाउंट पे इंटरेस्ट मिलता है तो वो आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का पार्ट बनता है। जैसे कि मैंने इसको ऊपर 20,000 ऐड किया हुआ है इनकम में, लेकिन फिर डिडक्शन भी मिलती है 80 TTA की, जिसकी की मैक्सिमम लिमिट है 10,000 रुपये, और वो इसी अमाउंट के ऊपर होती है। तो कहने का मतलब ये है कि सेविंग बैंक अकाउंट से जो भी इंटरेस्ट मिलता है उसके 10,000 रुपये के ऊपर टैक्स नहीं है, उसके ऊपर वाले अमाउंट के ऊपर टैक्स लगता है। तो ये तीन तरह की डिडक्शन हमारे पास अवेलेबल है, जो टोटल करके बन जाती है 1,38,000। अब ग्रॉस टोटल इनकम से जब मैं इसे माइनस कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगी टोटल इनकम 5,85,142। टोटल इनकम वही अमाउंट है जिसे आप कह सकते हैं टैक्सेबल इनकम, यानी इस अमाउंट के ऊपर लगेगा टैक्स। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं वर्किंग नोट,
जो वर्किंग नोट हमें पीछे वाले को पार्ट में छोड़ दिए थे। तो पहला वर्किंग नोट है रेंट फ्री अकोमोडेशन का। तो पहले हमें कैलकुलेट करनी होगी सैलरी, जिसका फॉर्मूला है बेसिक सैलरी प्लस डीए कंडीशनल, यानी रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए यूज होते हैं डीए, प्लस बोनस प्लस फी प्लस कमीशन प्लस टैक्सेबल अलाउंसेस। अब इसके अंदर जो जो मुझे क्वेश्चन में आइटम्स अवेलेबल है, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे क्या क्या मिल जाएगा। बेसिक सैलरी मिल जाएगी 4,80,000, डीए मिल जाएगा कंडीशनल 1,20,000, और जो टैक्सेबल अलाउंसेज हैं, बोनस नहीं है, फी नहीं है, कमीशन नहीं है, लेकिन टैक्सेबल अलाउंसेज हैं 1080 वाला, यानी चिल्ड्रन एडुकेशन अलाउंस वाला, फिर 24,000 वाला, 12,000 वाला, जो आपका टिफिन अलाउंस था और आपका मेडिकल अलाउंस था, तो ये टैक्सेबल अलाउंसेज हैं, इसलिए ये सैलरी में ऐड हो जाएंगे। यानी ये टोटल मिल गया मुझे 6,37,080। अब मैं इसका कितना करूँगा, नियम के हिसाब से मैं इसका करूँगा 15%। क्यों करूँगा, क्योंकि इसकी जो पॉपुलेशन है वो 30,00,000 से ज़्यादा है। अगर आप रूल देखेंगे तो पाएंगे कि जब पॉपुलेशन 25,00,000 से ज़्यादा होती है तब वहाँ पर 15% ऑफ सैलरी होता है, और यहाँ पर जो पॉपुलेशन है नोएडा की वो 30,00,000 है, तो इसलिए मैं करूँगा 15% ऑफ सैलरी। तो सैलरी का मतलब हुआ, अभी हमने ऊपर जो कैलकुलेट किया है 637,080, तो इसका 15% करूँगा तो बनेगा 95,562। अब क्योंकि ये फर्निश्ड हाउस था तो 10% का जो फर्नीचर है वो भी इसके अंदर जोड़ा जाएगा, फर्नीचर की 10%, ये रूल होता है। मतलब ये वही मान लेते हैं इतना यूज़ हो गया, इतना डेप्रिशिएट हो गया। तो अब फर्नीचर कितना था, दो एसी थे 30,000 के, यानी कुल मिला के 60,000, और 60,000 का हम कर देंगे 10%, ये फर्नीचर की वजह से है, तो 6,000 इसमें और जुड़ जाएगा, तो ये टोटल हो गया 1,01,562। लेकिन एम्प्लॉय की जेब से 3,000 रुपये जा रहे हैं, एम्प्लॉय से 3,000 रुपये रिकवर किए जा रहे हैं, उससे 3,000 रुपये लिए जा रहे हैं। एम्प्लॉय से अगर कुछ भी लिया जाता है तो वो हमेशा माइनस होता है, तो वो माइनस हो जाएगा, और हमें जो टैक्सेबल अमाउंट, फाइनल अमाउंट जो हमें मिलेगा आरएफए के लिए, वो आएगा 98,562। अब आइए देखते हैं वर्किंग नोट टू एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू आरपीएफ। अब यहाँ पर भी हमें पहले सैलरी कैलकुलेट करनी होगी, और यहाँ पर जो सैलरी का फॉर्मूला है बेसिक सैलरी प्लस डीए कंडीशनल प्लस फिक्स कमीशन। अब इसके अंदर बेसिक सैलरी है 4,80,000, डीए है 1,20,000, और फिक्स कमीशन इसमें है ही नहीं, तो कुल मिला के हो गया 6,00,000 रुपये। अब इसके दो कॉन्ट्रीब्यूशन बनते हैं, एक तो एम्प्लॉय का नौकर का और एक एम्प्लॉयर का मालिक का, वही 6,00,000 का 13%, क्योंकि दोनों की तरफ से ही 13-13% जा रहा है, तो जो एम्प्लॉय की तरफ से कॉन्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है वो बनता है उसका इन्वेस्टमेंट, उसे हम ATC में काउंट करते हैं, और जो मालिक की तरफ से कॉन्ट्रीब्यूशन आता है वो उसके लिए एक्स्ट्रा होता है, वो होता है उसकी इनकम, और उसे हम ग्रॉस सैलरी में काउंट करते हैं। तो यहाँ पर अब जो मालिक की तरफ से मिल रहा है वो उसके लिए एक्स्ट्रा इनकम है, क्योंकि हमारा टॉपिक भी यही है, एम्प्लॉयर्स मालिक वाला कॉन्ट्रीब्यूशन टू आरपीएफ। अब नियम कहता है ये 12% ऑफ सैलरी तक एग्जम्प्ट है, लेकिन उसको मिल रहा है 13%, यानी 12% तक तो टैक्स नहीं है, इसके ऊपर वाले पे टैक्स है, तो 13% और 12%, यानी उसको 1% फालतू जो बचा वो हो जाएगा टैक्सेबल। तो आप 6,00,000 का 1% कर दीजिए, बन गया 6,000, सिंपल है। अब आखिरी वर्किंग नोट है हमारा इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ। ये जो वर्किंग नोट है ना, ये जो चीज़ें आपको कैलकुलेट करना सिखा रहा हूँ, आप ये मान लीजिए कि ये पेपर में आते ही आते हैं। अब नियम कहता है कि ये एग्जम्प्ट है 9.5% तक, और उसको मिला कितना है, उसको मिला 10%, तो यानी जो 0.5% है वो हो गया टैक्सेबल। तो हमें ये कैलकुलेट करना है कि 0.5% पे कितना है। देखिए क्वेश्चन कहता है कि उसको 10% मिल रहा है और 10% पर 30,000 रुपये मिल रहे हैं, तो यूनिटरी मेथड लगाते हुए हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि 1% पर उसे कितना मिलेगा।
1% पर कैलकुलेट करना है तो 30,000 को आप 10 से डिवाइड कर दीजिए, जो भी यहाँ पर रेट आपका बनागा, जो भी रेट आपको दिया होगा। फिर जितने पर चाहिए उससे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। हमें चाहिए 0.5 पे कितना परसेंट होगा, तो 30,000 डिवाइड बाई 10, ये जो भी है इसको आप 0.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आ जाएगा 1500। ये 1500 वो अमाउंट है जो इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ में टैक्सेबल कहलाएगा। अब देखते हैं कि टैक्स कैलकुलेशन किस तरीके से होगी। हमारे पास जो टोटल इनकम है जिसके ऊपर टैक्स लगाना है वो है 582,142। अब इस इनकम को ना आप टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग बांट दीजिए, क्योंकि जो टैक्स का स्लैब है वो टुकड़ों में है, तो हम इसे टुकड़ों में बांटकर टैक्स लगाएंगे। जैसे कि पहला हिस्सा, पहला टुकड़ा बनता है 2.5 लाख रुपए तक का, दूसरा बनता है 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक का, फिर बनता है 5 लाख से 10 लाख का, और आखिरी बनता है 10 लाख से ऊपर का। अब ये जो इनकम है ना 585,142, इस इनकम को आप 4 टुकड़ों के अंदर तोड़ तोड़ के डाल दीजिए। जैसे पहले वाले हिस्से में चले गए 2.5 लाख रुपए 585,142 में से, तो अब वहां पर कितने रह गए, वहां रह गए 3,35,142। अब अगला हिस्सा, अब क्योंकि 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में 2.5 लाख बनते हैं, तो आप 585,142 में से 2.5 लाख और इसके अंदर डाल दीजिए। अब इसमें से टोटल देखिए 5 लाख निकल गए, तो अब आपके पास रह गए 85,142। अब इस 85,142 को आप तीसरे हिस्से में डाल दीजिए, तो ये उसमें चले गए 85,142। आपके जो आखिरी वाला है उसके लिए कुछ पैसे बचे ही नहीं। फिर आप लिखिए इनकम टैक्स के रेट जो दे रखे हैं स्लैब में, वो है 0.5, 20, 30%। अब इनको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए या इसका परसेंटेज कर दीजिए, एक ही बात है। 2.5 लाख का 0% हुआ 0, फिर 2.5 लाख का 5% हुआ 12,500, फिर 85,142 का 20% हुआ 17,028, और 0 का 30% हुआ 0। इन सबको आप जोड़ दीजिए तो बन जाएगा टोटल टैक्स 29,528। फिर लगता है सेस, ये उसी 18-19 के दौरान ही 1% का हेल्थ सेस बढ़ा दिया था, तो इसलिए ये हो गया आपका कुल मिला के 4%। इसमें एडुकेशन सेस है 2%, सेकेंडरी एंड हायर एडुकेशन सेस है 1%, और हेल्थ सेस है 1%। आप सिंपली सेस 4% भी कर सकते हैं, तो 29,528 का आप 4% कर देंगे वो हो जाएगा 1181। आप इसे भी इसमें जोड़ दीजिए तो जो पेबल टैक्स बनेगा, जो फाइनल टैक्स पे करना है, वो बनेगा इसका जोड़ 30,710। दोस्तों बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था ये, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। इसके अंदर लगभग सारी चीज़ें आ जाती हैं जो आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो पसंद आया, जो कि आया ही होगा क्योंकि बहुत अच्छा है, इसके अंदर मैंने बताया है, क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, आप इसको मैक्सिमम शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी मैक्सिमम शेयर कीजिए, ताकि सब लोगों को इस वीडियो का फ़ायदा मिले, सब लोग घर बैठ के आराम से पढ़ सके और बढ़िया नंबर लेके पास हो सके। इसी तरह से जुड़े रहिए मेरे साथ, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।